पांच लोगों की जजिंग कमेटी है, उन जजिंग टीम से इनकी आमने सामने बात करा दी, रहने करिए, संतोष नहीं है, वो बताएंगे दो तीनों के एक एक आदमी आ जाइए। थोड़ी ना आते हैं घोड़े, ये नाम है घोड़े, या तो हमें ये चीज बता दीजिए, घुमाते हैं तभी आते हैं हम। नहीं नहीं जजेस को यहाँ बुलाओ ना, अब अंदर क्या करें, व्हाट्सएप मेल मैसेज या फिर हमें दो पेन में रखते ही नहीं, पहले ही निकाल देते बाहर। नहीं वो आपकी बात को कहने गए, दो पेन में रखा ही नहीं, फिर हमें आप रखते क्यों, पहले ही निकाल देते बाहर। आप देखो मैंने आपने शो कर गया भाई, मैंने आपको बाहर आगे पहुंचा टेन में नहीं लिया, वो परम भी टॉप 10 में नहीं लिया, अच्छा ना मंगो आगे में मैजिक की काम उठा दे देखते हो, वो एक ही घोड़ा देख रहे हैं बस, जिनको जजिंग से आपत्ति है उनके पास अपील का अधिकार है, वो अपील दर्ज कराए। और इसके अलावा भी अगर आपको बात करनी है तो कृपया एक घोड़े से एक व्यक्ति मंच पर संपर्क करें, बाकी सब थोड़ा सा उधर पधारिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर राहुल रोज भाई जो भारत रत्न के ओनर हैं, और परमवीर जो नदीम भाई जो ओनर है, उनके द्वारा अपील की गई है कि उनके घोड़े को फिर से चेक किया जाए, उनके घोड़ों में कमी बताई जाए। और यहाँ थोड़ा सा मामला बहुत ज़्यादा टिपिकल नज़र आ रहा है, तो ये अपील की गई है। तो यहाँ नदीम भाई और राहुल भाई ने अपील की है कि उनके घोड़ों को फिर से लाया जाए। ऑब्जेक्शन है कि हमारा घोड़ा कैसे हार गया, किस वजह से, किसने हराया आपका, नंबर बुलाया आप आई नहीं, बुलाया नहीं, वापस पहले 10 में था आपका नंबर हमारे घोड़ों को, अरे आपका पहले 10 में नंबर है, आए थे यहाँ पे आए थे, उसके बाद बाहर किसने भेजा, अनाउंस रख लिया 10 7 उसको बाहर निकाल दो, अनाउंस किया ना बकायदा, जो सर्कलिंग आई थी दिखा दो क्या मार के पार्टी दे दौड़ बदरा बाहर आ जाओ सब, हाँ
बंदे को थोड़ा सा वक्त के लिए रिंग को रोक दिया गया है और यहाँ पर पृथ्वीराज जी और साले लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद में क्या डिसीजन आता है वो देखते हैं। देख सकते हैं आप मीटिंग की जा रही है, क्या डिसीजन आता है उसके बाद में देखा जाता है। जजेस ऊपर तो हम जजेस हैं ना, ये तो स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइट, बट जजेस आर ऑफ द खाना पीना कुर्सी आप 10 को बुला लो हम वापस करवा लेंगे, बस और क्या कर सकते हैं हम अपनी अपनी सुविधा के और समझा इतना फेर तो कोई और दूसरा बताएगा नहीं आपको, ये अच्छा फेर मैंने आपको सीट ओपन कर ली, वो साल से जीतता रहे यहां पे कौन भारत रत्न 2 साल से जीत रहे हैं यहाँ पे, 10 को से वोट करवा लेते हो भैया किसी उससे बाहर निकाल दिया, सारे दर्शक मना करेंगे आप, ये तो है वो ब्लू कलर का घोड़ा खड़ा है। 108 के कितने मार्क्स आ गए भैया, मार्क्स देख लो हम तो कुछ नहीं करे, 5 जज बैठे आपको शीट दिखा दे रहा हूँ ना, नंबर देख लो, वैसे दिखाते तो नहीं है पर हम तो सबके लिए कर रहे हैं ना, हम तो आपको टोटल दिखा रहे हैं, प्लेस चल रहा था ऊपर वालों करूँ इसमें करूँ बताओ आप, वो नीले वाला ये है और अपन तो नहीं आ रहे भैया, जजेस के ऊपर क्या जाएंगे, जजेस का किसी से कोई सवाल नहीं है ना, फिर भी हम ये कह रहे हैं हम तो आपको फिर भी क्लियर कर रहे हैं, आज तक कितना दिखाया आपको शीट बताओ, तो हमने ये कहा है कि भैया फिर के और आप फिर भी हमें आप ले आओ तीनों वापस करवा लेते और क्या कर सकते हैं, इसमें एक बार वापस हम जजेस चेंज कर देते हैं और क्या कर सकते हैं, बात सुनिए इसमें जो मेजर इशू है ना, देखो नहीं एक मिनट अपने जब एक मिनट लेकिन स्पील है तो आपको अगर गलत लगता है ये काम करो आप 200 खड़े करो, हम घोड़ों के साथ किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेंगे भाई, है आप हमारे साथ सारे घोड़े लाएंगे सारे नहीं भैया, जो 10 है सारों से कोई पंचायत ही नहीं, इसका मतलब वो ये लिस्ट वाले इंसानियत का ऐसा हाथ मत पकड़ो कि सारे ले आएंगे बराबर है, कौन से दर्जी नंबर कितने नंबर बाहर है, कितने नंबर बाहर है, 10 भाई वो मत कीजिए, एक मिनट लाइट चलेगी यहाँ पर, देखो एक ही बहस देखने को मिल रही है, और परम नदीम भाई को बोला जा रहा है कि जीतने के बाद रिंग में आए, जो भी है वो शो के बाद में बताया जाएगा, फोन ना बोला बोल रहे इधर आना, अभी रिंग के अंदर रहने वाले टैग नंबर है 75, 162, 49, 48 दोस्तों अभी चल रहा है 77, 72 डिसीजन जो भी होगा वो आपके सामने 195, 111, 173 उन्होंने अपना रिमार्क लिख के भेज दिया, हमने यहाँ वो चीज़ नोटिस कर ली, ठीक है करके जो लगा आपको बता दिया, आप वो मोटिस्ट है या नहीं है हम पहले राउंड राउंड
सफाई घर के मालिक उलझ रहे हैं जजों से। वो डरेगा जिसने गलत किया। बस बस बिल्कुल परफेक्ट बोला।